हेलो फ्रेंड्स एसजी जी नीटिंग एंड क्राफ्ट्स फ्रेंड्स आज आपके लिए जी मैं पंजाबी जुत्ती लेके आई हूँ इसको बनाना बहुत ही आसान है बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है और इसमें बूल भी बहुत कम लगती है ये ऐसे बनी है जहाँ से स्टार्ट होती है बनते बनते ये ऐसे लास्ट तक बनती है इसमें फ्रेंड्स मैंने जी इसको पूरा दो सिलाइयों से तैयार किया है इसमें कोई भी हमने सुई से इसमें सिलाई नहीं की तो ये पांच और छह नंबर के लिए है अगर आप जे चार नंबर के लिए बनाना चाहते हो तो मैंने जहां से स्टार्ट किया इसको ट्वेंटी सिक्स फंदे डाल के आप उसमें चौबीस फंदे डाल सकते हो जे मैंने इसमें आठ जाली दी है आप उसमें सात जाली बना सकते हो अगर आप इस, इसको सात आठ नंबर के लिए बनाना चाहते हो तो आप जहां जाली जो आठ मैंने दी है आप नौ कर सकते हो तो जहां मैंने ट्वेंटी सिक्स फंदे डाले हैं तो आप ट्वेंटी एट फंदे से बना सकते हो तो जे मैंने एक कलर से बनाई है आप इसको दो कलर से भी बना सकते हो बॉर्डर के बाद जहां आप दूसरा कलर भी लगा सकते हो तो फ्रेंड्स चलिए हम इसको बनाते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स आपने दस नंबर की सिलाई लेनी है तो मैंने ओस वाल बूल से बना रही हूँ लच्छी वाली ओस वाल बूल से दो प्लाई की बूल है कोई भी आप बूल इसमें ले सकते हो मैंने सिलाई में ये पाँच और छः नंबर के लिए है ट्वेंटी सिक्स फंदे मैंने डाले हैं छब्बीस फंदे मैंने डाले हैं उसके बाद मैंने जी आठ सिलाई का सीधी सीधी का बॉर्डर बनाया दोनों साइड सीधा सीधा बुन के अगर आप उल्टा उल्टा बुनना चाहते हो तो जहां आप दोनों साइड उल्टा उल्टा भी बुन सकते हो एक दो तीन और जे सिलाई में चार ऐसे चार लाइन आपकी बन जाएगी आठ सिलाई बनाने के बाद ऐसे चार लाइन आ जाएगी इसके बाद आगे हम स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी सिक्स फंदे है बारह फंदे पहले हम सीधे बुनेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह फंदे हमने सीधे बुन ले अब धागा आगे करेंगे जहाँ हम जाली बनाएंगे धागा आगे कर लिया दो फंदे सीधे बुनेंगे एक दो फिर धागा आगे करेंगे बारह फंदे आगे सीधे बुनेंगे हमने बीच में दो फंदे सीधे रखे दो फंदे जो सीधे रखे दोनों तरफ हमने जाली बनाई बारह फंदे हमारे इधर सीधे आएंगे बारह फंदे इधर हम सीधे आएंगे दागा करके आगे करके हमने एक फंदा सीधा बुन लिया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सिलाई कंप्लीट होगी सीधी तरफ उल्टी साइड आगे उल्टी साइड हमने पूरी फ्रेंड्स उल्टी सिलाई बनानी है ऐसे पूरी उल्टी जो हमने बीच में दो जाली बनाई है जे भी उल्टे फंदे बुनने जो सीधे बीच में जाली के बीच में रखे जे भी तो ये पूरी सिलाई मैं उल्टी बना लेती जे मैंने उल्टी सिलाई पूरी बना ली उसके बाद सीधी तरफ आके अब हम जहाँ सीधे फंदे बुनेंगे जहाँ जहाँ हमने जाली बनाई थी जी जाली वाला पंदा जो हमने ये भी सीधा बुनना पहले बारह फंदे हमने सीधे बुने थे अब हमारे तेरह हो गए दो चार छः, आठ दस बारह और एक तेरा अब दो फंदे हमने जो बीच में सीधे चलाए हैं, दोनों तरफ हम जाली बना रहे हैं ये दो फंदे जो सीधे हैं, ये सीधे फंदे से पहले हम जहाँ जाली बनाएंगे दागा आगे किया दो फंदे सीधे दो फंदे सीधे बुन के फिर जहां हम जाली बनाएंगे दो फंदे के बाद इधर हम दो फंदे से पहले जाली बनाएंगे इधर हम दो फंदे के बाद जाली बनाएंगे ऐसे आगे हम तेरह फंदे सीधे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ऐसे ये हमारी दूसरी जाली बन गई उल्टी साइड पूरी सिलाइया उल्टी ही जाएंगी उसमें कोई भी फंदा आपने कम ज्यादा नहीं करना उल्टा ही सिंपल बुनना है ऐसे ही फ्रेंड्स आपकी जालियां ऊपर बनती जाएंगी तो फंदे बढ़ते जाएंगे जे मैंने आठ जाली इसमें बनाई है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो मैं दूसरी बना रही हूँ ऐसे ही मैं पूरी आठ जाली बनाऊंगी जे आठ ये मैंने आठ जाली बना ली एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये सिलाई में आठ तो मेरे पास अब सिलाई में फोर्टी टू फंदे रह बन गए जाली बनाने के बाद बयाली फंदे बन गए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस और जे इक्कीस तो अब हम जहाँ से सिलाई को ऐसे उल्टी तरफ कर लेंगे जहां से हम जहां जी, हम बारह फंदे उठाएंगे हर एक चेन से हम एक एक फंदा उठाते जाएंगे ऐसे जहां से उठाते जाएंगे एक ऐसे दो तीन चार पाँच सात, ये, आठ आठ हमने जहाँ तक उठा ली जी बॉर्डर में चार जो जी बॉर्डर बना चार फंदे जहाँ से उठाएंगे आठ जी नौ जी दस ग्यारह और जी लास्ट में जी लास्ट एंड में उठा लेना फंदा आपने जी बारह बारह फंदे हमने उठा लिए अंदर को ऐसे कर दूंगी बीच में अब उल्टा उल्टा बुनेंगी ऐसे तो जे मैं पूरी सिलाई जहां तक उल्टी बना लेती हूं। जे मैंने सीधी सिलाई सीधी साइड से उल्टी सिलाई बना ली जे जाली अब नहीं बनानी जाली वाले फंदे भी हमने ये उल्टे बुन ले जैसे हमने इधर से फंदे बारह फंदे उठाए अब हम जहाँ से भी बारह फंदे उठाएंगे जब मैं ये बुन लिया जहां तक सिलाई अब धागा इधर करके हम जहां से भी ऐसे उल्टा बुनते हुए इस बारह फंदे उठाएंगे हर एक चेन से हम एक एक पहली जे वाली चेन से उठाते जाएंगे ये बारह फंदे ऐसे एक दो तीन और जे लास्ट में लास्ट आप सिरे में उठा लेना जहाँ से और ये बार अब हम उल्टी साइड जहाँ हम पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे ये मैंने उल्टी सिलाई बना ली अब जहाँ हम दोनों साइड उल्टा, उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे ये मेरी एक लाइन बन गई है ऐसी मैं सात लाइन और बनाऊंगी आठ लाइन बनाऊंगी मतलब कि आपने सोलह सिलाई बनानी है दो सिलाई बनाने से जी एक लाइन बनती है जी जी मैं सोलह सिलाई दोनों साइड उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ जे मैंने सोलह सिलाई बना ली जी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये आठ लाइन बन गई अब मैंने ये बुनते बुनते मैंने सब फंदों को हाफ कर लिया तो मैंने हाफ करके हम जहां से जे सीधी साइड अंदर करेंगे उल्टी साइड बार ऐसे आधे आधे फंदे दो साइडों में मैंने कर लिए जहां तीसरी सिलाई से इन फंदों को बंद कर देंगे ऐसे करेंगे एक पीछे वाली सिलाई का लेंगे फंदा एक आगे वाली सिलाई का दो का एक बनाएंगे उल्टा बुन के ऐसे उसके बाद जे वाले फंदे को पीछे वाली सिलाई में डाल देना जे डाला हुआ अभी जो अभी डाला फंदा जे और एक फंदा और एक आगे का तीन फंदे का एक बना तीन का एक बना लिया हमने जे एक फंदा जो फिर हम पीछे वाली सिलाई में डालेंगे फिर वापस तीन फंदे का एक बनाएंगे जे ऐसे फिर वापस इसको डालेंगे फिर तीन का एक बनाएंगे फिर ऐसे वापस इसको डालेंगे ये मैंने सब फंदों को जहां बंद कर दिया तो लास्ट में आपने जे ऐसे ही जी एक फंदा जो लास्ट में इसको ऐसे रहने देना अब इसको ऐसे सीधा करके देखते हैं तो ये वाला हमारा जूती का आगे वाला जे पार्ट हमारा बन गया जे ऐसे आगे वाला तो अब हम जे जो लूप हमने ये रखा है लास्ट में इसमें सिलाई डालेंगे तो जहां से फंदे जे अंदर की तरफ है जूते की अंदर की तरफ उल्टी साइड जहां से हम फंदे उठाएंगे जहां तक बॉर्डर ये जहाँ से बॉर्डर स्टार्ट होता बॉर्डर बौर्ड, तक जहाँ तक नौ फंदे उठाएंगे हम ये एक मेरा सिलाई में है आगे हम ऐसे नौ फंदे उठाएंगे जहाँ से एक एक तीन से हम एक एक फंदा उठाते जाएंगे जी एक ये दो तीन चार पाँच सात, ये आठ और ये लास्ट से ये नौ तो ये जो बॉर्डर की पट्टी स्टार्ट होगी जहां से तीन फंदे हम पट्टी से उठाएंगे नौ फंदे हमने ये उठा ले तीन फंदे बारह फंदे टोटल बारह फंदे हमने जहां से उठाए जी पट्टी से तीन फंदे हम उठा लेंगे ऐसे जी दो जी तीन टोटल बारह फंदे हो गए अब सिलाई को घुमा देंगे सीधी तरफ ये जूते की बैक वाली साइड सीधी तरफ ये फंदों को सम उल्टा, उल्टा उल्टा बुनेंगे ऐसे उल्टा उल्टा, उल्टा बुन लिया ऐसे जैसे हमने इधर से बारह फंदे उठाए हैं इधर से भी हम ऐसे उठाएंगे नौ फंदे इधर और ये बॉर्डर की पट्टी से तीन फंदे नौ फंदे हम ये उठाएंगे ऐसे उल्टा बुनते हुए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये पट्टी से भी तीन फंदे उठाएंगे एक दो और तीन नौ तीन बारह बारह फंदे हमने इधर से उठा ली अब हम पूरी सिलाई जी उल्टी बुनेगी। उसके बाद फिर जी मैं एक सिलाई इधर से भी उल्टी बुनूंगी जी दो सिलाई पहले मैं उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ जे मैंने दो सिलाई बना ली उल्टी अब हमने दोनों साइड उल्टा उल्टा बुनना है तो अब हमने क्या करना है जहाँ शुरू में एक फंदा बढ़ाएंगे जहाँ और जहाँ लास्ट में एक फंदा बढ़ाएंगे पहला फंदा शुरू में हमने चेन बनानी है एक फंदा निकालेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा पहले उल्टा बुनेंगे फिर जहां से एक फंदा उठा के नीचे से जहां एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे ही हमने लास्ट में फंदा बढ़ाना लास्ट में जब आपके लास्ट में दो फंदे रह जाएंगे फिर जहां से फंदा ऐसे उठा के जहां से आपने एक फंदा बढ़ा लेना ऐसे ये आपने दो फंदे एक ही सिलाई में बनाने हैं शुरू में और लास्ट में जब आपने दो फंदे रह जाएंगे फिर उसके बाद इधर से आपने पूरी उल्टी सिलाई बनानी है तो फिर मैं ये उल्टी सिलाई एक बना लेती हूं ये मैंने इधर से उल्टी सिलाई बना ली अब ये ये जूते की अंदर वाली साइड में आ गई हमने जहां एक एक फंदा शुरू में एक फंदा लास्ट में बढ़ाया था तो अब हमने जहाँ नहीं बढ़ाना एक बारी बढ़ाएंगे एक बारी छोड़ेंगे तो अब नहीं मैं जहां बढ़ाऊंगी फिर उसके बाद ये इधर से उल्टी सिलाई बनाऊंगी फिर बढ़ाऊंगी मतलब कि आपने एक बारी फंदा दोनों साइड बढ़ाना है एक बारी छोड़ना है ऐसे ही आपने दोनों साइड उल्टा उल्टा बुनते हुए ऐसे बनाते जाना है आपका दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ता जाएगा एक एक बारी छोड़ना है तो जे आपने पैर की लेंथ के सामना ऐसे ही बुनते जाना है जे ऐसे ऐसे शेप आती जाएगी आपकी ये जूते की ऊपर तक ये शेप बनती जाएगी जे वाली शेप ऐसे तो मैं ये ऐसे ही बनाती जाऊंगी अब एक बारी बनाऊंगी फंदा एक बारी छोड़ूंगी जी मैंने बना के कम्प्लीट कर लिया तो अब जे आप लेंथ ऐसे देख सकते हो आप पै, आप अपने पैर में ऐसे डाल के ऐसे आप आपने डाल लिया तो इसकी लेंथ ऐसे नाप सकते हो ऐसे आपकी जी लास्ट की एडी के थोड़ा सा आधा इंच जैसे थोड़ा सा कम होना चाहिए क्योंकि जे भूल जो होती है जे खींचती है तो जब आप इसको डालोगे पैर में ऐसे खींच के तो आपका पूरा पड़ जाएगा थोड़ा सा आपने बैक में हड्डी से जे एडी से कम रखना है छोटा रखना है थोड़ा सा तो ऐसे इतना मैंने बनाया है ये आपको लाइन भी मैं बता देती हूँ कितनी मेरी ये लाइन बनी है ये मेरी ट्वेंटी वन लाइन बनी है दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस और ये इक्कीस ये मेरी इक्कीस लाइन बनी है तो अब हमने जहाँ क्या करना है अब हमने बंद करना है सिलाई से मैं बंद करूँगी जे पहले मैं सिलाई में जितने फंदे मैं दो दो सिलाई में इसको हाफ हाफ कर लेती हूँ जे मैंने फंदे हाफ़ हाफ कर लिए अब हम जे जूती का अंदर वाला साइड जो ऐसे बाहर को रखेंगे ये पी बैक वाला जो ये अंदर की तरफ ऐसे इनको तीसरी सिलाई से इसको बंद कर देंगे तीसरी सिलाई लेके जैसे आप आपको मैंने पहले बताया है ऐसे ही आपने तीन फंदे का एक फंदा बनाते जाना है जैसे पहले आपको बताया ऐसे तो ये मैं सब बंदों को वाइंड ऑफ कर देती हूँ जहाँ ये मैंने जहाँ से सिलाई कर ली अब इसको डाल के देखते ऐसे कैसी लगती है देखो बहुत ही परफेक्ट इसकी शेप आई है तो फ्रेंड्स ये आपको कैसी लगी ज़रूर बताना आप कमेंट सेक्शन में तो ऐसे ही आपके लिए मैं और भी नई नई और बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो लेके आऊँगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर करना और लाइक करना फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थैंक यू